नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां भी शुरू हो गई है, जिसके बाद ही सितंबर अक्टूबर महीने में पंचायत चुनाव को करवाने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अब राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद समेत पंचायती राज के अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए अहम जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत सरकार ने इन जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए राशि का आवंटन कर दिया है, जिसके तहत अब 31 जुलाई तक सभी जनप्रतिनिधियों के खाते में मानदेय की राशि पहुंचा दी जाएगी। इस बाबत पंचायती राज विभाग ने भी जनप्रतिनिधियों के खाते में राशि के ट्रांसफर को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही राशि आवंटित करने में होने वाले लेट लतीफी से परहेज करने का भी निर्देश दिया है। ज्ञात हो, सरकार की तरफ से बिहार में एक मुखिया को 2500 रूपए प्रति महीने मिलते हैं। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने इसके लिए 74,58,00,000 की राशि आवंटित कर दी है। इसको लेकर राशि को अलग अलग जिलों में भेज दिया गया है। कोरोना के कारण बिहार में समय पर पंचायत चुनाव नहीं हो सका था, लिहाजा पंचायतों में फिलहाल परामर्शी समिति काम कर रही है। पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के कार्यकाल का बकाया मंदी का भुगतान भी किया गया है। पंचायती राज विभाग की तरफ से पंचायत जनप्रतिनिधि पहली बार मानदेय सीधे अपने खाते में ले रहे हैं। आवंटित राशि महीने के अंत तक जनप्रतिनिधियों के खाते में पहुंच जाएगी। इसकी जिम्मेदारी DDC और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को भी दे दी गई है। विभाग ने काम में लापरवाही बरतने वाले दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया है। आपको बता दें, बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कोरोना के कारण ही पंचायत चुनाव में पिछली बार भी देरी हुई थी, लेकिन इस बार सरकार की यही कोशिश है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले पहले चुनाव का आयोजन करवा लिया जाए। इसके साथ ही इसी योजना को अमली जामा पहनाने के साथ राज्य निर्वाचन आयोग अब काम में जुट गई है, ताकि समय पर गांव की सरकार बनाई जा सके। पिछली बार भी कोरोना के कारण ही चुनावी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब पंचायत चुनाव को समय पर करवाने की कोशिश की जा रही है। इस बाबत अगले महीने से चुनावी प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। साथ ही सितंबर अक्टूबर महीने में पंचायत चुनाव के आयोजन की तैयारी भी हो रही है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग के सामने कोरोना और बाढ़ दो बड़ी समस्या निकल कर सामने आई है। यही कारण है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव जो कि 10 चरणों में होने वाले हैं, कोशिश कर रही है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में आखिरी चरण में चुनाव का आयोजन करवाया जाए। इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के माहौल में पंचायत चुनाव को लेकर कई सारे गाइडलाइन भी जारी कर दिए हैं, जिससे कि पंचायत चुनाव का आयोजन कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए गाइडलाइन के अनुरूप ही करवाया जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।